दोस्तों मैं सोमेश्वर महादेव आया हूँ जो कि अरैल घाट पे नैनी प्रयागराज में है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोमेश्वर महादेव आए हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में दर्शन करने से मिलता है कष्टों से छुटकारा और होती है अमृत की वर्षा। स्वयं चंद्रमा ने की थी सोमेश्वर तीर्थ की स्थापना। पृथ्वी की परिक्रमा के साथ बदलती है मंदिर में लगे त्रिशूल की दिशा। और दोस्तों तीर्थराज प्रयागराज की यमुना तट पर स्थित प्राचीन भगवान शिव का सोमेश्वरनाथ मंदिर स्थापित है, जिसकी महिमा पौराणिक कालों से बताई जाती है। कहा जाता है कि यमुना तट पर अरैल गांव में भगवान शिव की स्थापना चंद्रमा ने की थी। सोमेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना के लिए स्वयं भगवान शिव ने चंद्रमा को स्थापित करने को कहा था और उनके ही कहने पर चंद्रमा ने सोमेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना की थी। अब दोस्तों मैं माला फूल वगैरह ले लिया हूँ, अब मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें। मान्यता यह है कि इस मंदिर के आसपास अमृत की वर्षा होती है, साथ ही यहाँ पर मंदिर पर विराजित त्रिशूल की दिशा भी चंद्रमा के साथ बदलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भगवान शंकर की आराधना कर चंद्रमा को अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। और बता दूं दोस्तों, जब राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, इससे चंद्रमा कुरूप होकर क्षय रोग से ग्रसित हो गए। श्राप मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना की। उसी प्राचीन मंदिर को सोमेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रमुख पुजारी ने बताया कि यहाँ दूर दराज से पीड़ित परेशान लोग आते हैं। यहाँ दर्शन पूजन मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की एक अन्य विशेषता यह है कि चंद्र कुंड में यदि एक माह तक स्नान कर भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाए तो क्षय रोग से मुक्ति भी मिल सकती है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को पूरे मंदिर की परिक्रमा करा रहा हूँ, आसपास की मंदिरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों पुजारी ने बताया, मंदिर के छत्र पर जो त्रिशूल लगा है वह चंद्रमा के पृथ्वी के चक्कर लगाने के अनुसार अपना कोड बदलता है। सोमेश्वरनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अभी दोस्तों मैं मंदिर में आया हूँ, पूजा अर्चना की है, जल वगैरह बाबा को चढ़ाया है, बेलपत्र आदि वगैरह चढ़ाया है। दोस्तों कहा जाता है सोमेश्वर महादेव के दर्शन से कटते हैं संकट। 11 साल पहले सोमेश्वर की स्थापना यमुना तट पर जंगल और घने वनों के बीच हुई थी। सोमेश्वर महादेव की आराधना के लिए सावन मास में पूरे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। विशेष तौर पर माघ मेले एवं शिवरात्रि पर्व मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। के अनुसार सोम तीर्थ में शिव मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों जब मैं सोमेश्वर महादेव जी का दर्शन कर लिया, उसके बाद मैंने गणेश जी की पूजा अर्चना की, वहाँ पर धूप दुर्वा वगैरह चढ़ाया। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों फिर आगे गए, एक मंदिर और थी, राम लक्ष्मण सीता जी की मंदिर थी, वहाँ पे पूजा अर्चना की। फिर दोस्तों साथ ही में आसपास और एक मंदिर थी, वहाँ शिव जी का था, वहाँ पे हम लोग पूजा अर्ची की, वहाँ काली माता थी, वहाँ पर पूजा वगैरह किया। फिर दोस्तों हम लोग मंदिर के बाहर निकले, वहाँ पर नंदी महाराज थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए, फिर हम लोग मंदिर के आगे बढ़े। दोस्तों हम लोग मंदिर के बिल्कुल बाहर आ गए हैं। अब आप मंदिर के पूरे फ्रंट का आप देख सकते हैं, अगल बगल के आसपास के जितने मंदिर है पूरा आपको यहाँ से दिख जाए। और दोस्तों मंदिर के पास माला फूल की दुकान है, जल वगैरह आप ले सकते हैं, डायरेक्ट जाके बाबा को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।